इस फूल की बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सही, इनसे बुखार ठीक होता है। वाह, मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी है बलू, क्या है ये? ये है मणि, पेड़ की रार जमकर ऐसी हो जाती है। हा? चलो अब इसे फेंकते हैं वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर क्यों? क्योंकि कुछ जानवर मानते हैं कि मणि में ऐसी शक्ति होती है जो सभी जानवरों की ताकत के बराबर होती है। सभी जानवरों की सारी ताकत, मतलब जिसे भी यह मिलता है उसे वो शक्ति मिल जाती है। पुरानी कहानियों में ऐसा लिखा था, पर आज भी कुछ जानवर इस पर यकीन करते हैं, इसलिए वो इसे हर हाल में पाना चाहते हैं। मणि, मुझे पता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसे है। मणि, सच में जरा सोचो, अगर मेरे पास वो पत्थर हुआ तो कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जाहिर हो जाएगा कि जंगल का असली राजा मैं हूँ और मैं बन जाऊंगा यहाँ का राजकुमार। अब जा और मेरे लिए वो मणि लेकर आ। तुम मणि के उस टुकड़े को लाए ही क्यों? मैंने कहा था ना वो मुसीबत की जड़ है। अब तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि वो किसी बुरे जानवर के हाथ ना लगा हो। जहाँ पना शेर खान ने अपने जंगल वासियों को तुरंत सभा में बुलाया है। हाँ? प्यारी जनता, आप देख सकते हैं इस मणि ने मुझे चुना है और अब से जन्मों जन्मों तक मैं तुम्हारा राजा हूँ। घबराना मत, क्योंकि जो जानवर मेरी चापलूसी करेगा उसे कुछ नहीं होगा। मुझे खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे। अच्छा, तो तुम हमें खाने के लिए भी चीजें दोगे? हाँ, और भी बहुत कुछ। मैं अपनी गुफा में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जाओ उस इंसानी बच्चे को लाओ और बदले में अपनी जिंदगी खुशहाल बनाओ। और राजकुमार टबाकी सब पर यही से नजर रखेगा। पहले जाओ उस इंसानी बच्चे को ढूंढने में उनकी मदद कर, काम चोर गीदड़। कहीं जानवरों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि शेर खान वाकई सबसे ताकतवर बन गया? हाँ बलू, जो कहानी पर यकीन करते हैं उन्हें लगेगा, जब तक शेर खान के पास मणि है तुम सुरक्षित नहीं, तुम्हें छुपना होगा। वो यहाँ है, मोगली यहाँ है। मैं शेर खान से मणि छीनकर झरने में फेंक के आता हूँ। मैं मोगली को लेकर आऊंगा, इनाम तो मुझे ही देना, मुझे भी उससे छुटकारा पाना है। उस इंसानी बच्चे को मणि चाहिए तो वो उसे लेने शेर खान के पास जरूर आएगा। Huh?
इंसानी बच्चे। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। तो सुधार लेता हूँ राजा जी। धत तेरी की। फिर मिलेंगे नकली शहंशाह। वो आ रहा है, तैयार रहना। अब कहाँ जाओगे? मेरे लिए तो रुको, राजकुमार के लिए। दूर हट, मुझसे चिपको। मोगली बच के भाग रहा है। कैसे हटूं? मैं तो फंस गया हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ, किसी काम के नहीं तुम दोनों। मिल गई मणि। एक मणि की वजह से हम उस मोगली के खिलाफ नहीं हो सकते। वो हमारा दोस्त है और हमारी दोस्ती उस शेर खान के खौफ से ज्यादा मजबूत है। ये काम की चीज है। मेरी हड्डी के पास भी मत भटकना भूखे गीदड़। हाँ? दौड़ खत्म हो गई इंसानी बच्चे, और मणि का विजेता है सिर्फ शेर खान। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हमें जल्दी झरने के पास पहुंचना होगा, खेल वहीं खत्म होगा। मदद के लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, ये सब बल्लू की वजह से हुआ है, उसी ने हमारी समझ को बदला है। ओ अच्छा, अब जल्दी से मुझे झरने के पास जाना है और इस मणि को हमेशा के लिए पानी में डुबाना है। अब ये तमाशा खत्म। आप उसे रोकते क्यों नहीं जा पना? गीदड़ तू ही जाके रोक लेना। क्यों, पानी में आने की हिम्मत नहीं है जहाँ पना? तू मुझे ललकार रहा है। ये लो, जनता भी यहाँ पहुँच गई। शाबाश, अब सभी अपनी आँखों से देख लो, ये मणि हमेशा के लिए गई। नहीं, मैं फिसल रहा हूँ। तुम खुद अपनी हालत देख सकते हो शेर खान, इस मणि से कोई ताकत नहीं आती, उल्टा ये आपको कमजोर बनाती है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे मेरी मणि बचा लेगी। कहानी की वजह से जिंदगी दांव पर मत लगाओ। हम सभी को यहाँ इसलिए लाए ताकि सभी को यकीन हो जाए कि उस मणि की कहानी सिर्फ एक कहानी ही थी। शुक्र है इस मणि की दिक्कत यहीं पर खत्म हो गई। अब वो किसी मछली को मिल जाएगी, फिर एक मछली यहाँ की रानी बन जाएगी, है ना? अरे नहीं, मछलियाँ इतनी बेवकूफ नहीं होती, ऐसी बातों पर तो कम अकल ही यकीन करते हैं। खामोश।
खामोश चूजे, जंगल के राजकुमार से तमीज से बात करो। चुप कर मिस्टर चंपू कुमार, अब ना कोई जंगल का चाहपना है और ना ही कोई राजकुमार। हाँ।